हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक और शानदार वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के सातवें चैप्टर से लेकर के तेरहवें चैप्टर के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन नंबर वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट को हमने देख रखा है, बहुत सारे बच्चों ने इस पर बहुत ज्यादा प्यार दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, जिसमें पहले चैप्टर से छठवें चैप्टर के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। उसकी जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसको देख लेना। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम सातवें चैप्टर से तेरहवें चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इतना जरूर कहेंगे बच्चों, जो भी क्वेश्चन है ये 100 में 100% वाले हैं, फिक्स है, श्योर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों तीन नंबर वाले होंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ही बात करें बच्चों तो ये क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये पूछा गया था, 5 सेट में। अब समझ सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, एक 5 सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहां पर हम सारे के सारे टॉपिक को एक ही फ्रेम में निपटाने वाले हैं। क्वेश्चन था कि अमीबी पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, न्यूमोनिया, डेंगू रोग के कारकों का नाम लिखना है, ठीक। यानी ये जो सारे के सारे रोग हैं किन कारकों से होते हैं, कौन से इसमें जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, कवक, व्हाटएवर जो भी है, ये किसके द्वारा होता है, ठीक। और ये 5 सेट में पूछा गया था, अगर आपको यकीन ना हो तो देख लेना, ठीक है। चलिए बच्चों देख लेते हैं, सबको अलग अलग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों आपका, सबसे पहला है अमीबी पेचिस। अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस है। और उसके बाद बात करें तो दूसरी, भाई दूसरा कौन है, तो मलेरिया, दूसरा है मलेरिया, ठीक। और तीसरा कौन सा है बच्चों, तो तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, ठीक। और चौथा कौन सा है, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस जिसको बोलते हैं हाथी पांव, फाइलेरिया, ठीक। और उसके बाद पांचवा कौन सा है, तो भाई पांचवा है डेंगू और छठा है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। तो सबके रोग जनक कारकों को हम देखेंगे, ठीक, यानी ये जो रोग हैं ठीक किसके कारण होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहला जो है ये जो है अमीबी पेसिस, तो इसका रोग जनक क्या है, रोग जनक, रोग जनक कारक, यानी भाई ये जो रोग है किसके द्वारा होता है। तो इधर हम रोग जनक कारक लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों, इधर लिख लेते हैं कि भाई इसका संक्रमण कैसे होता है, इधर हम संक्रमण को लिख लेते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक इसमें एक तो जरूर ही पूछेगा, हम एक ही की बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आएगा, इसीलिए बच्चों हमने सबको रख लिया है। हालांकि जो एग्जाम में पूछा गया था इसमें एक दो कम ही था, लेकिन हमने सबको इसलिए रख लिया है ताकि अब आपको दोबारा दिक्कत होना, ठीक, क्योंकि इसके लक्षण और ये बचाव के उपाय यही सब पूछे जाते हैं, चाहे ये 5 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में, सब में आप निपटा सकते हो, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों अमीबी पेचिस। देखिए अमीबी जो पेचिस है किसके द्वारा होता है, तो भाई ये होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से, ठीक। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक क्या होता है बच्चों, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ, ठीक, ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या, तो इस ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक। अब उसके बाद इसका संक्रमण कैसे होता है, तो भाई अमीबी पेचिस का संक्रमण कैसे होता है, तो दूषित जल या भोजन से होता है।
कैसे होता है बच्चों? दूषित जल या फिर भोजन से। ठीक, दूषित जल या दूषित भोजन से, भोजन से नहीं मतलब दूषित भोजन, याद रखना। चलिए अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? मलेरिया। अब मलेरिया भाई किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया जो होता है बच्चों वो होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम नामक ये प्रोटोजोवन से होता है। अब बात करें तो इसका संक्रमण कैसे होता है? तो इसका संक्रमण यानी इसको फैलाने वाला जो कारक होता है, यानी फैलाने का जो माध्यम होता है, वो होता है इसमें मादा, मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर होता होता है। ठीक है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। यानी ये जो मच्छर होते हैं ये समझिए खुद ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है इसको लेकर के घूमते रहते हैं, ये पहले से ही संक्रमित रहते हैं, जिसको काटते हैं उसी के अंदर ये प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों? देखिए तीसरा टाइफाइड, टाइफाइड का तो ये है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा बच्चों ये फैलता है। और बाकी बात करें तो इसका संक्रमण, इसको फैलाने का काम कौन करता है? तो जो टाइफाइड होता है ये भी बच्चों दूषित, दूषित जल के द्वारा ही या दूषित भोजन के द्वारा ही इसका भी संचरण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, व्यक्ति से नहीं बल्कि मतलब दूषित अगर जल का सेवन करेंगे, भोजन का सेवन करेंगे तब ये होता है, साफ सफाई का ध्यान ना देने पर। ठीक, उसके बाद आता है फाइलेरिया, फाइलेरिया इसी को हाथी पांव भी कहते हैं, फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ठीक, तो हाथी पांव का जो होता है बच्चों इसका भाई ये किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो रोग जनक होता है उसका नाम है वुचुरेरिया, वुचुरेरिया बैंक्रो, बैंक्रो फटाई, कहीं कहीं पर यह लिखा होता है और कहीं कहीं पे बैंक्रॉफ्टी लिखा होगा। क्या? बैंक्रॉफ्टी ऐसे लिखा रहता है, बैंक्रॉफ्टी, एक मिनट, ऐसे लिखा होता है बैंक्रॉफ्टी। तो इस पर बिल्कुल मत जाना कि बैंक्रो फटाई क्या है। तो बुचुरेरिया चाहे बैंक्रो फटाई लिखा हो या बैंक्रॉफ्टी लिखा हो, दोनों सेम है। तो बुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये एक कृमि होता है, फीता कृमि। ठीक, ये एक कृमि के द्वारा होता है। और बाकी इसका बच्चों फैलाव कैसे होता है? तो ध्यान देना, ये जो होता है हाथी पांव या फाइलेरियसिस ये कैसे होता है? तो इसमें एक होता है क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है। ठीक, चलिए अगला क्या है? तो अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि डेंगू। अब डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। एक बार ये एनडीए में पूछा गया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ठीक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन सा बुखार है जिसको हड्डी तोड़ बुखार के भी नाम से जानते हैं? तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि भाई पूरे जोड़ों में, शरीर में, बॉडी में जहां जहां पर हड्डियों का जोड़ होता है वहीं पर दर्द शुरू होता है, इसीलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसमें कौन होता है? तो भाई इसमें डेंगू विषाणु ही होता है बच्चों। ठीक, ये डेंगू वायरस होता है, विषाणु। ठीक, और उसके बाद बात करें तो इसका मतलब संचरण कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? तो जो डेंगू का भाई संचरण होता है वो मच्छर के द्वारा, मच्छर कौन सा होता है? मादा एडीज एजिप्टी, मादा एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी। ठीक है बच्चों, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और अगला जो है वो है न्यूमोनिया। अब देखिए न्यूमोनिया कैसे होता है? तो ये है बच्चों स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनी नामक जीवाणु होता है, जीवाणु। हालांकि अगर हम बात करें तो ये कुछ कवक के द्वारा भी होता है, ठीक है, उस पर मत जाइएगा। अगर इसका संचरण देखें प्रमुख रूप से, तो इसका संचरण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है, वायु द्वारा, ठीक है ना, इतना याद रखना। और हाँ एक चीज और बच्चों, डेंगू में अगर कभी कभार मान लेते हैं कि भाई अगर आपका एग्जाम में बहुविकल्पी आ गया, ये चीज ना हो तो फ्लेवी वायरस जरूर देगा। क्या देगा? फ्लेवी वायरस, ठीक है। अगर डेंगू वायरस ना दिया रहे तो फ्लेवी वायरस, उसका जो नाम है वो है फ्लेवी। तो ये कुछ रोग हैं, इनके रोगजनक हैं और संक्रमण इनका कैसे होता है, इस चीज को अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना रसगुल्लों, नहीं तो हो जाएगा आपके साथ धोखा, ठीक। तो ये चीज ना होने पाए इसलिए हमने अच्छे से मेंशन कर दिया है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है ये क्वेश्चन बच्चों, बात करें 2023 में ये भी दो सेट में पूछा गया था, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले भी बताया है कि बायोलॉजी एकदम फिक्स होता है, देगा कहां से भाई, 7 सेट बनेंगे, कभी कभार उससे ज्यादा भी बन जाते हैं, तो इतना ज्यादा सेट बनता है तो देगा कहां से, हर एक सेट में क्वेश्चन रखना है, इसलिए बच्चों ये सब एकदम फिक्स वाले टॉपिक होते हैं। क्वेश्चन है कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को उदाहरण सहित समझाना, ठीक। और ये एक और तरीके से पूछा गया था 2023 में कि सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर क्या होता है, अंतर सबसे ज्यादा पूछता है। चलिए देख लेते हैं कि सहज प्रतिरक्षा क्या होता है और उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सहज प्रतिरक्षा। देखिए सहज प्रतिरक्षा को इसको और कई नामों से जानते हैं, एक तो सहज प्रतिरक्षा, दूसरा इसी को बोलते हैं बच्चों अविशिष्ट प्रतिरक्षा, अविशिष्ट प्रतिरक्षा, या फिर इसी को कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। तो चाहे जो नाम आए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सहज प्रतिरक्षा कहे या अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा, नाम में ही बहुत कुछ है। जन्मजात जो जन्म से ही रहती है हमारे बॉडी के अंदर, तो सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है, इसी कारण इसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों, मतलब बाहर से कोई भी जीवाणु विषाणु आते हैं तो उनके सामने क्या करती है, विभिन्न प्रकार के अवरोध यानी बाधा उत्पन्न कर देती है, ठीक। जैसे देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा हमारे अंदर कौन है, तो जन्मजात जैसे आंसू हो गया, पीएच हो गया, ठीक, ये चीज होता है। तो ये जन्मजात जैसे ऑयली ऑयल होता है ना कि हमारी स्किन जो तैली ग्रंथियां होती हैं, तो ये सब जन्मजात प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। लार हो गया, ठीक, तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा वाले होते हैं। जैसे देखिए दिया गया, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकी रोध, कोशिकी रोध, ये सभी के सभी जन्मजात प्रतिरक्षा या फिर सहज प्रतिरक्षा होते हैं। अब दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है बच्चों, तो यह जो प्रतिरक्षा होती है एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा होती है और ये जन्म के बाद प्राप्त होती है व्यक्तियों को, ठीक है। तो लिखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है और इसका अभिलक्षण जो स्मृति बी व टी कोशिकाएं, दोनों बी लिखा है, एक बी होगा दूसरा टी, ठीक है, एक मिनट यहां पे ध्यान देना बच्चों, बी व स्मृति बी व टी कोशिकाएं होती हैं, बी व टी कोशिकाएं, ठीक। तो अभिलक्षण स्मृति बी व टी कोशिकाएं है और हमारे शरीर का जब पहली बार
जब हमारे बॉडी में भी क्या होता है, जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोग जांच से सामना करता है, यानी पहली बार रोग प्रवेश करता है, तो ये करती क्या है भाई, सबसे पहले वहां जाकर के कोई ना कोई एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप करती हैं और वहीं से ये पूरे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करने लगती है। यानी जहां पर भी हमारे शरीर में रोग होगा वहां जाकर के उस रोग को पहचान लेंगी और उसे नष्ट करने का काम करती है, जैसे वैक्सीन वगैरह लगते हैं, ठीक, चाहे वो चेचक का टीका हो, अभी COVID-19 का भाई कुछ समय के पहले, मतलब कुछ समय पहले कोविड के लिए टीका लगा था, तो ये जो टीका वगैरह लगता है ये सब क्या है, तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा, ये जन्म के बाद हमारे शरीर में क्या करते हैं, एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अच्छे से एक बार दो बार तीन बार जैसा भी रिवीजन करना पड़े आप चाहे रट्टा मारिए चाहे लिख कर तैयार करिए, लेकिन इसको तैयार तो करना ही पड़ेगा। जैसे यहां इसमें लिख देते हैं एक, जैसे चेचक का टीका एक हमने लिख दिया, ठीक, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये 2023 में किसी में नहीं पूछा गया था, इसलिए बच्चों 2024 में आप कमर कस लीजिए, इस क्वेश्चन से सामना जरूर होगा 100%, याद रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर तो 5 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, नहीं तो 3 नंबर में श्योर है डेफिनेटली आएगा, आपके इसमें 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में अल्कोहल द्वारा होने वाले कुप्रभाव का वर्णन करिए। किशोरावस्था में जो यूथ जनरेशन है उनमें अल्कोहल के द्वारा क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, यानी जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनके अंदर क्या कुप्रभाव होता है, बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये चीज अपने को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल तो हमें पता है कि अल्कोहल क्या है, एक पेय पदार्थ होता है जिसे मदिरा शराब के नाम से भी जाना जाता है, बाकी ब्रांड में जाएंगे तो बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, व्हाट एवर, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर तो हमें समझना है कि अल्कोहल क्या होता है। तो अल्कोहल क्या है बच्चों, देखिएगा, देखिए अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा मादक पेय पदार्थ कौन है, शराब। शराब कहां यूज नहीं होता, जहां देखो सब कोई गम में आ गया तब शराब लेकर के बैठा है ना, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, गाना भी सुना होगा, तो कोई गम के मारे पी रहा है, तो कोई ज्यादा खुशी के मारे पी रहा है, तो हर एक सिचुएशन में आज के समय की जो जनरेशन है, यूथ है ना, इसके संपर्क में आ जाती है, उनको ज्यादा खुशी है तब भी सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ मजे करेंगे, बियर बार में जाएंगे, पब में जाएंगे, नहीं तो वैसे ही 4 दोस्त इकट्ठा होकर के ढक्कन खोल देंगे, और बहुत ज्यादा गम में है, डिप्रेशन में, किसी का भाई ब्रेकअप हो गया तब भी शराब की बोतल खोल रहे हैं, तो ये चीज होता है। आज के समय में फीलिंग को भी दर्शाने के लिए शराब चाहिए, तो यही चीज है शराब। बाकी सबसे भाई इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें बच्चों तो होता है C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाले में अगर हम बात करें तो ये एथिल अल्कोहल, ठीक, यही होता है। और इसका कुप्रभाव क्या होता है वो चलिए देखते हैं। देखिए इससे साइड इफेक्ट, और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने से खुद से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, बट देख लेते हैं आपको कैसे लिखना होगा। पहला है कि इसके प्रयोग से तंत्रिका तंत्र, बोले तो भाई जो हमारा माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, दुर्बल यानी कमजोर हो जाता है। अब तब तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा तो सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, ठीक, क्या कुछ करना है, आत्म जो नियंत्रण रहेगा वो भी नहीं रहेगा, तो ये सब चीज इससे एक साइड इफेक्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, आत्म नियंत्रण में कमी,
मस्तिष्क कमजोर होना, सोचने समझने की जो क्षमता है या शक्ति नष्ट हो जाना, अच्छे बुरे का जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाना, एकाग्रता की कमी, मतलब ये चीज, क्योंकि जो शराब पी लेते हैं भाई उनको अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कौन सामने है क्या बोल रहे हैं कुछ भी पता नहीं चलता है, तो इससे ये साइड इफेक्ट होता है। दूसरा है व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है, क्योंकि जब उसे तलब लगेगी, जब नशा सताएगा ना तो तुरंत ही भाई कहीं से जुगाड़ हो जाए, बस इसी चिंता में रहते हैं कि बस कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, और ये जब धीरे धीरे तंगी आने लगती है तो व्यक्ति चोरी चमारी भी शुरू कर देता है। पहले तो घर में कर लेता है, इधर उधर नहीं मिला, घर में खत्म है तो बाहर भी हाथ मारेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा भाई, गलत रास्ता अपनाता है तो चोरी करने लगता है। अगला है, इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है हमारे अंदर भाई क्या है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इससे हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। और अगला है कि व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। भाई पी करके आते हैं घर में, कोई बच्चा बोल दिया, कोई भाई लड़का लड़की उनका है बोल दिया, हाथ उठा देते हैं बीबी पे, तो सारा गुस्सा निकाल देते हैं, बाद में चाहे जो हो, लेकिन उस समय तो मारने पीटने पर ही ये उतावले होते हैं। और इसके साथ बहुत सारे और भी हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा यकृत पर मतलब कुप्रभाव डालता है, यकृत को सबसे ज्यादा ये क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है। ठीक, तो ये क्या होता है बच्चों, अल्कोहल का कुप्रभाव होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों 5 सेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी रसगुल्लों 4 सेट में पूछा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में रखना बच्चों, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया है, हर एक सेट में, बस एक दो में थोड़ा क्या है छोटे नंबरों में, नहीं तो ये लगभग तीन सेट में तो ये तीन नंबर में पूछा गया है, बाकी तो आपके छोटे छोटे इसी से बना करके एक नंबर वाले दो नंबर वाले ऐसे करके पूछ गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि घरेलू खाद्य उत्पादन मतलब पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक, कि जो घरेलू खाद्य पदार्थ है या खाद्य उत्पादन है जो भी, तो उनमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है और किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। तो भाई दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लिखेंगे, ध्यान देना, इसमें लिखेंगे बच्चों कि दुग्ध व डेयरी उद्योग में डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, और यह जो जीवाणु होता है बच्चों क्या करता है कि यह दूध से दही बनाने में मदद करता है, दही बनाने में इतना समझ लेना मदद करता है, यहां पर लिख देते हैं, इधर जगह है, मदद करता है। ठीक, यानी दूध से दही बनाने में प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना, लैक्टो बैसिलस नामक जीवाणु। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक मिनट, देखिए अगला है डबल रोटी निर्माण में। तो डबल रोटी, इसमें से एक नंबर का भी क्वेश्चन आया था कि डबल रोटी होती है जो रोटी फूल जाती है किसके कारण, तो डबल रोटी में बच्चों जो फूलती है रोटी किसके कारण, CO2 गैस के कारण। अब CO2 गैस बनती कब है, ये जब किण्वन प्रक्रिया होती है, किण्वन में इसमें भूमिका कौन लेते हैं, तो यीस्ट लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे कि डबल रोटी के निर्माण में यीस्ट का प्रयोग, यीस्ट या जिसको खमीर बोलते हैं, यीस्ट
का प्रयोग होता है, स्ट का प्रयोग होता है। इस क्रिया में यानी जो डबल रोटी बनती है, इस क्रिया में CO2 गैस गैस बनती है, CO2 गैस बनती है जिससे रोटी फूल जाती है, फूल जाती है। ठीक, इससे क्या होता है बच्चों, रोटी अधिक फूल जाती है, ध्यान देना। तो इसमें यीस्ट होता है, गैस कौन सी बनती है, CO2 गैस बनती है। क्लियर हो गया, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला है बच्चों कि सिरके के निर्माण में, तो सही सिरका भाई जो बनता है, सिरके में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। वैसे इडली डोसा पनीर उद्योग में, किण्वन पेय पदार्थ जैसे शराब हो गया, बियर विस्की ब्रांडी रम कुछ भी हो गया, और उसके बाद हम बात करें तो जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं पेप्सी कोको कोला थम्सअप स्प्राइट, ये सबके सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहां पर तीन के बारे में देखना है, तीन देख लिए ना, ये आपका एकदम क्लियर हो गया। सिरके के निर्माण में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें होता क्या है, इसमें एसीटो एसीटो बैक्टर एसीटी एसीटो बैक्टर एसीटी नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ये क्या करता है बच्चों, सिरके का निर्माण करने में मदद करता है। कौन, एसीटो बैक्टर एसीटी नामक जो जीवाणु होता है, ये सिरके का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, तीन प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये तीन के तीनों हमने प्रमुख सूक्ष्म जीव को रख दिया, और कौन से उद्योग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी लिख दिया है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इसको रिविजन कर लेना, क्योंकि वक्त नहीं है और ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है, इस बात का ध्यान देना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर क्वेश्चन आज हम जो भी क्वेश्चन लिए हैं, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो चार चार सेट में, पांच पांच सेट में, कोई तो छह सेट में, कोई तो सात के सातों में पूछ लिया गया है। सात के सातों में कौन आया है भी आगे हम बता रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आएंगे, श्योर है, हर एक क्वेश्चन पेपर में चाहे जिस तरीके से घुमाकर पूछेगा, ये सभी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, इतना याद रखना। क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं तीन प्रतिजैविक के नाम लिखना है। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, देखिए प्रतिजैविक जो होते हैं वो होते क्या है, तो प्रतिजैविक ये जो होते हैं इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक होते क्या है बच्चों, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो निष्क्रिय होते हैं या मृत या फिर वैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया गया एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो लिखेंगे कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार या उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, रोगजनक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उसको मतलब बढ़ने नहीं देते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और विभिन्न प्रतिजैविक एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें तो जो प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था। और बाकी अगर हम बात करें तो प्रतिजैविक की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था, ये आप सबको भी पता होगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि किन्हीं तीन प्रतिजैविक के नाम लिखना है, तो अब हम लिखेंगे बच्चों प्रतिजैविक के नाम, प्रतिजैविक के नाम। तो प्रतिजैविक के नाम में पहला लिख लेते हैं, पहला है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो गया। दूसरा हो गया बच्चों
इधर देख लेते हैं। दूसरा हो गया स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तीसरा रेमाइसिन, ये तो ये प्रतिजैविक हैं कुछ, इनको याद रखना। पेनिसिलिन हो गया, ठीक है ना, पेनिसिलिन पहला हो गया बच्चों। दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तीसरा है रेमाइसिन। तो ये तीन प्रतिजैविकों के नाम है, हर साल पूछे जाते हैं। एक नंबर में भी पूछा जाता है, दो नंबर में भी पूछा जाता है, बाकी अगर तीन नंबर में पूछेगा तो पूरा डिटेल्स में कि प्रतिजैविक क्या है और तीन प्रतिजैविक के नाम लिखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन के बारे में भाई, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में ही हम बात कर रहे थे। एक तो ये है, एक इसके आगे आएगा। ये जो है जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है और खाद उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है, ये पांच सेट में पूछा गया था, पांच क्वेश्चन पेपर में आया था जैव उर्वरक या जैविक खाद के बारे में, ठीक है। इसलिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, बट डोंट वरी, रटना मारने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। देखिए जैव उर्वरक क्या है, जैव यानी जो जैविक होते हैं, उर्वरक का मतलब खाद होता है, तो जैव उर्वरक जो है एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये तैयार कैसे होते हैं, तो जो आपने देखा होगा गांव देहात में करते क्या है, गांव देहात में ये जो खाद कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जो जानवरों का मल मूत्र यानी गोबर के माध्यम से फलों और सब्जियों के छिलकों वगैरह को हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदकर उसमें फेंक देते हैं, धीरे 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 वो इकट्ठा हो जाता है, फिर उसी को उठा करके हम क्या करते हैं, कुछ समय के बाद खेतों में उसको बिखेर देते हैं, और ये होती है देसी खाद जिसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद। तो वही है जैव उर्वरक, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव तैयार होते हैं वो कहलाते हैं जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये करते क्या है, तो ये पौधों में, मतलब ये पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन ये खींचेंगे, और ये करते क्या है कि उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन के यौगिक जैसे यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये जड़ों तक उनको ले जाते हैं, इससे पौधा वृद्धि व विकास करता है। ये काम होता है जैव उर्वरक का। और जैव उर्वरक की बात करें तो ये जो ये रासायनिक खाद होती है मार्केट में मिलने वाली, उनके तुलना में ये बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि जो केमिकल वाले होते हैं तो भाई वो हानिकारक होते हैं वातावरण के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, जो भी हैं मनुष्यों के लिए भी, यहां तक कि सभी प्राणियों के लिए वो हानिकारक होते हैं, लेकिन जैविक खाद ऐसा नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं लेकिन ये कारगर होते हैं। तो ये चीज होता है जैव उर्वरक। कोष्टक मतलब क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है और खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका क्या है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सब कुछ तो हमने बता दिया कि जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और ये मृदा की उत्पादन शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब हम लिखेंगे खाद उत्पादन में जैव उर्वरक की क्या भूमिका होती है। चलिए लिखेंगे बच्चों की जैव उर्वरक ये स्वतंत्र जीवी व सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं और ये क्या करते हैं, मिट्टी से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। जैसे हमने बताया नाइट्रोजन लेंगे उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं जो पादपों या फसलों की वृद्धि व विकास के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। बाकी अगर हम बात करें, अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैव उर्वरक रासायनिक मतलब जैव उर्वरक की रासायनिक उर्वरक से तुलना कीजिए, तो क्या लिखेंगे बच्चों कि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं ये महंगे होने के साथ साथ मिट्टी के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये क्या होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो खाद मार्केट में मिलती है, तो ये क्या होते हैं, महंगे भी होते हैं और साथ ही साथ ये मिट्टी के लिए हानिकारक भी होते हैं और ये धीरे धीरे मिट्टी को क्या करते हैं बच्चों, बंजर बना देते हैं, मिट्टी को बंजर बना देते हैं। लेकिन जो जैव उर्वरक होता है, जो जैविक खाद होती है,
वो क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल की उपज को ये बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये सस्ते या फिर निःशुल्क होते हैं। निःशुल्क मतलब घर से भी तैयार कर सकते हैं, घर पर इसको तैयार करते हैं, वो इसे भी करते ही हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। तो ये होता है बच्चों जैव उर्वरक। जैसे जैव उर्वरक की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2023 में भी बच्चों ये 2 से 3 सेट में पूछा था केवल जैव उर्वरक के नाम में, नाम पूछा था बस एक नंबर वाले क्वेश्चन में। तो जैव उर्वरक में जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं हम, जैसे माइकोराइजा राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम लिखा है इधर, शायद उधर ना दिख रहा होगा लेकिन इतना याद रखना यह राइजोबियम है। और उसके बाद जैसे नॉस्टॉक एना बीना, इतना लिख दिया बस, 2-3 याद रखो बहुत है। तो माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एना बीना, ये सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक है। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। ये भी 2 सेट में आया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ठीक। 2 या 3 सेट में पूछा गया था कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और इनका कार्य लिखिए तथा उदाहरण भी आपको बताना है। प्रतिबंधन एंजाइम को हमने न जाने कितनी बार बताया होगा बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं इसको देखिए बाद में देखिएगा, पहले हमारी बातों को सुन लीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम, तो प्रतिबंधन एंजाइम होते क्या हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि भाई क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो डीएनए को मान लेते हैं कि कहीं से काटना है, जैसे यहां से ऐसे, तो डीएनए खंड को, ये जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं, दोनों धागे होते हैं, इनको अलग करने के लिए या इनको काटने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसी एंजाइम को बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज इसका पूरा नाम होता है, ठीक, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। और इसी को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, यानी आणविक कैंची या फिर आणविक चाकू कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए खंड को काटने का काम करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहते हैं, अभी हमने बताया, ठीक, वह एंजाइम जो डीएनए को क्या करता है बच्चों, काटता है, उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पूरा नाम है कहते हैं। और अभी तक बच्चों 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की क्या है, खोज हो चुकी है। और ये करते क्या है, ये जीवाणुओं के मतलब 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं, और इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, विभिन्न जो डीएनए के अनुक्रम होते हैं, यानी उनका जो अनुक्रम होता है, एक सिस्टम होता है, उसको क्या करते हैं, पहचानने का काम करते हैं। और प्रतिबंधन एंजाइम डबल हेलिक्स डीएनए को खंडित करता है, यानी काटने का काम करता है, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम्पल को हमने, और ये ध्यान देना, कुछ हर जगह से नहीं काट देते हैं, कुछ ये विशेष स्थान से ही क्या होता है, ये काटता है, और जहां से काटता है उसका अगर उस स्थान का नाम पूछ लिया जाए, पैलिंड्रोम होता है। क्या होता है, पैलिंड्रोम, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। और जैसे मैं यहां पर लिखा है इको आर आई, उसके बाद ये दो क्या है आपके, प्रतिबंधन एंजाइम है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तो 2 से 3 बार हम बता चुके हैं, हाँ कम से कम 3 बार तो बताया ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 4 बार हो गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए जब भी हम उठाते हैं इस क्वेश्चन को जरूर रखते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बायोरिएक्टर क्या है 2023 में। यह भी बच्चों 2 सेट में पूछा गया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको भी हम बता चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि बायोलॉजी में बायो रिएक्टर के एक बार और बता देना, इसलिए रख लिया है। ठीक, तो देखिए बायो रिएक्टर होता क्या है बच्चों, बायो रिएक्टर एक प्रकार से बहुत बड़ा बर्तन होता है, एक गोलाकार, एक जैसे ड्रम होता है ना, एक गोलाकार पात्र होता है, यानी बर्तन होता है और जो घूमता रहता है। और इसके द्वारा करते क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, अदर कोई जंतु है, मानव कोशिकाओं, इन सब के द्वारा, कोई मतलब प्लांट्स है, उन कोशिकाओं का संवर्धन करके इसमें क्या होते हैं, मतलब नया कोई पदार्थ तैयार किया जाता है, किसमें, बायो रिएक्टर में। तो लिखेंगे बच्चों कि बायो रिएक्टर एक बड़े पात्र यानी बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों में क्या है, इसको बदला जाता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, प्लांट सेल होते हैं और ह्यूमन सेल हो गया, जंतुओं के कोशिकाओं से संवर्धन, मतलब कोशिकाओं से ये प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं उससे ये विशिष्ट, मतलब कोई विशेष प्रकार का उत्पाद और एंजाइम का निर्माण करते हैं। और बायो रिएक्टर की बात करें तो बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों जैसे ताप, पीएच वैल्यू, विटामिन, लवण, ठीक, लवण या फिर ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। और बायो रिएक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रिएक्टर है वो है विडोलक हाउस। तो विडोलक हाउस बायो रिएक्टर सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बायो रिएक्टर है। ठीक, यानी विडोलक हाउस जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बायो रिएक्टर है, रटना नहीं है बच्चों बायोलॉजी में, इसलिए हम हमेशा आपको बताते हैं, बस एक बार समझ लीजिए जो हम कुछ बोल रहे हैं उसका मतलब। बायो रिएक्टर एक बड़ा पात्र यानी बर्तन की तरह होता है जो घूमता रहता है, इसमें सूक्ष्म जीव, प्लांट्स हो गया, मानव व फिर जंतु कोशिकाओं से प्राप्त जो कच्चे माल को विशिष्ट प्रकार के उत्पाद या फिर एंजाइम बनाने में करते हैं। और ये क्या करता है, ताप, पीएच, विटामिन, लवण आदि परिस्थितियां प्रदान करता है। और सबसे ज्यादा जो उपयोग में आने वाला विडोलक मतलब रिएक्टर होता है बायो रिएक्टर, वो कौन है, विडोलक हाउस है। क्लियर हो गया, चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई, इनको हमने यहां इनका आंसर नहीं लिखा है, वो इसलिए कम से कम इन सबको हम 4 से 5 बार देख चुके होंगे अब तक, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में वीडियो है। पहला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु, 3 सेट में, ये भी 2023 में आया था। दूसरा है बीटी फसल क्या होता है और मानव इंसुलिन, सबके सब क्वेश्चन आए थे। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पारजीनी जंतु वहां पर भाई इसका आंसर हम यहां पर नहीं रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन बता दे रहे हैं। अब आपको भी एकदम रटा होगा, नहीं भी पता है, एक बार सुन लीजिए बच्चों, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके बाहर से एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए उसे कहते हैं पारजीनी जंतु। ठीक, हमने क्या बताया, ध्यान से सुनना, आप कॉपी और पेन के साथ अगर बैठे हैं तो लिख लेना बच्चों, ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके यानी बदलाव करके बाहर से एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए तो उसे कहते हैं, तो उस जीव को यानी कहते हैं पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव इसी को कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बताया था कि मीरा, बकरी, कागा, गाय, डॉली, भेड़, ये सभी के सभी ट्रांसजेनिक जीव में आते हैं। फिर उसके बाद बीटी फसल बताया था, तो बीटी फसल क्या है, तो ये मतलब एक विशेष प्रकार की, ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई ये विशेष प्रकार की एक फसल होती है जो किससे बनती है, तो ये बीटी जीवाणु से बनती है। किससे बनती है बच्चों, बीटी जीवाणु से। अब बीटी जीवाणु का मतलब क्या है, बैसिलस थूरिन जीएंसिस नामक जीवाणु से बनती है। और ये जो बीटी जीवाणु होता है ये बीटी विष उत्पन्न करता है। जैसे ही भाई किसी फसल में बीटी विष मतलब बीटी ये जो जीवाणु है इसके द्वारा जो फसलें तैयार की जाती हैं, जब कोई कीड़ा उस फसल को खाता है
तो ये जो बीटी विष होता है उस कीड़े के अंदर यानी आहार नाल में अंदर जाकर के ये जहर उत्पन्न कर देगा, तो उससे आहार नाल उसकी फट जाएगी और जो इंसेक्ट होता है यानी कीड़ा मर जाता है। तो ये फसल क्या होती है, बीटी मतलब फसल होती है, जैसे इस पर बीटी बैंगन बीटी कपास भी तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया। और मानव इंसुलिन पर भी बताया क्या, तो भाई जो मनुष्य के मतलब अगर मानव इंसुलिन तो ये मानव कल्याण के लिए तैयार किया गया इंसुलिन होता है। इसे हालांकि सर्वप्रथम गाय के द्वारा उत्पन्न किया गया था, बाकी मनुष्य के अंदर जो अग्नाशय होता है उसमें बीटा कोशिकाएं होती है जिसमें हैंगर लेंस मतलब लैंगर हेंस की दीपिकाएं होती हैं, ठीक, और उसी में इंसुलिन ये मानव इंसुलिन का स्राव क्या कहते हैं स्राव होता है, और इसी के अल्प स्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक भी रोग होता है। तो इसको बच्चों हमने एक सरसरी निगाह से यहां पर बता दिया, आई होप कि इससे भी समझ में आ गया होगा। बाकी तो इसको डिटेल्स में बताया है, आप जाकर के जो 55 या 56 क्वेश्चन की लिस्ट है ना उसमें बताया है, ठीक है, या टिप्पणी वाला भी देख लेना, तीनों पर टिप्पणी वाला देख लेना सबसे अच्छा, जो 20-25 ऐसी टिप्पणियां बताया है बच्चों टिप्पणी वाले में तीनों को अच्छे से क्लियर किया है, उसको जाकर के देख लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2023 में आया था, यू समझिए कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कि जो ना आया हो, बस इतना याद रखना, एक वही अल्कोहल वाला छोड़ दो बाकी सब पूछे गए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 नंबर में भी पूछा गया था 2023 में और 4 नंबर में भी आया था, ठीक। समष्टि किसे कहते हैं, क्वेश्चन है कि समष्टि किसे कहते हैं और समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों को लिखना है। तो समष्टि होता क्या है, समष्टि का मतलब ही होता है बच्चों जनसंख्या। अब तो समझ में आ गया कि जनसंख्या किसे कहते हैं या फिर पॉपुलेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो समष्टि होता क्या है, समष्टि एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे भाई मनुष्य का अगर पूरा ग्रुप है तो वो मनुष्य का समष्टि हो गया, कोई अदर जानवर है उसका समूह है, तो एक ही जीव का ग्रुप होना चाहिए वो होता है समष्टि, ठीक। तो एक ही समय में एक ही स्थान पर निवास करने वाले या रहने वाले एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है जो ग्रुप होता है वो कहलाता है समष्टि। और समष्टि में कौन कौन से गुण होते हैं, वैसे इसमें बहुत गुण होते हैं लेकिन हमने भाई यहां पर 3 पूछा है तो 3 के बारे में ही देखेंगे, ठीक है, और 3 पूछा भी जाएगा अगर 3 नंबर वाले में आएगा, नहीं तो 4 से 5 वो 5 नंबर में आएगा। तो समष्टि यानी जो भी जनसंख्या होती है उसके अंदर क्या क्या देखने को आपको मिलते हैं, वही सबसे पहला है जन्मदर। तो जन्मदर किसे कहते हैं, तो किसी समष्टि में एकांत समय में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को ही क्या कहते हैं जन्मदर। भाई जब क्या होता है कोई जीव नया जीव जो जन्म लेता है तो वो जन्मदर होता है, और जन्मदर स्थिर नहीं होता है बच्चों, ये जन्मदर ये कम और मतलब कम ज्यादा होता रहता है, ठीक, कभी कम जन्मदर कभी मृत्यु दर ये आगे पीछे लगा रहता है, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है स्थिर नहीं होता है, ठीक। जरूरी नहीं कि यहां पर जो जगह है यहां पर जितने जीवों ने जन्म लिया है दोबारा ना ले, तो ये स्थिर नहीं होता है, ये हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है, तो भाई किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या या मरने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों मृत्यु दर। तो ये भी समष्टि का गुण होता है। तीसरा है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर यानी 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होंगी, ठीक, जितनी महिला होगी उसी को बोलते हैं, यानी 1000 पुरुष पर बच्चों महिलाओं की संख्या को ही कहते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, ठीक। अगर हम बात करें तो 2011 में जब जनगणना हुआ था भाई भारत का लिंगानुपात 1000 से 940 था ऐसा, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 940 उनके सापेक्ष यानी महिलाएं हैं। इसका मतलब भाई अगर 60 कमी है तो 60 लड़के तो ऐसे हो गए जिनकी शादी ही नहीं होगी, है ना, लेकिन मैनेज हो जाता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करें तो जैसे केरल राज्य में भारत के अंदर, क्योंकि वहां पर भाई कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा लड़कियों को वरीयता दिया जाता है, इतना याद रखना। तो ये है समष्टि और समष्टि के गुण, ठीक। लिंगानुपात क्या बताया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही बोलते हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात।
चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। तो भाई ये नया चैप्टर जो जुड़ा है एक पर्यावरण वाला पारिस्थितिक तंत्र वाला उसमें से है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है और घास स्थल के लिए एक खाद्य श्रृंखला बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला होता क्या है? खाद्य मतलब जो खाने की सामग्री, ठीक, या जो भोजन है, और श्रृंखला का मतलब एक कड़ी। क्या होता है? कड़ी। तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है? तो एक सिंपल सी परिभाषा समझिएगा, ये जो हमने बताया इसको तो देखना ही है, लेकिन एक सिंपल परिभाषा बताएं बच्चों। तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस उस जीव को भी कोई और जीव खाता है। तो इससे जो एक कड़ी बनती है, एक श्रृंखला बनती है, वो है खाद्य श्रृंखला। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक यानी आगे ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है। बाकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फल स्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक ऐसे आगे चलता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह देखिए एक दिशिक होता है, इतना याद रखना, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं तो सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक, तो सबसे पहले उत्पादक होता है भाई जो उत्पन्न करता है जिससे पेड़ पौधे। अब उत्पादक के बाद क्या होता है बच्चों? तो उत्पादक के बाद आता है इसमें शाकाहारी, शाकाहारी आता है, ठीक है। और शाकाहारी के बाद क्या होता है? तो शाकाहारी के बाद मांसाहारी, क्या होता है? मांसाहारी होता है। और मांसाहारी के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे बाद में अपघटक आते हैं, अपघटक आते हैं। क्लियर हो गया? इतना याद रखना बच्चों ये क्रम। तो लिखेंगे कि अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर होता है। हमने बताया ना, ये देख सकते हैं कि जो अपघटक होता है बच्चों ये खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक होता है, जो मृत उत्पादक या वह फिर उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है। अब यहां पर हम बात करें तो उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं जो भाई हमें फल दे रहे हैं, ठीक, जो हम सब्जी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये उत्पादक के द्वारा है। और बाकी अगर हम बात करें तो उपभोक्ता वो होते हैं जो उन पर निर्भर हैं। अब उसमें शाकाहारी भी आएंगे, मांसाहारी भी आएंगे, लेकिन जो अपघटक होते हैं तो अपघटक क्या होते हैं? ये जैसे अगर मान लेते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, ठीक, तो इनको जो नष्ट करने का काम होता है वो अपघटक, जैसे जिसे जीवाणु वगैरह विषाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक, ये कवक वगैरह होते हैं, तो ये सब इसमें आ जाते हैं अपघटक के अंतर्गत। अब अपघटक के बाद इसमें देखिए एक चीज पूछा था बच्चों कि घास स्थल के लिए एक खाद्य श्रृंखला बनाना है। तो घास स्थल के लिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो सबसे पहले होता है घास, सबसे पहले बच्चों घास। अब ध्यान देना, घास, जो घास फूस है उनको कौन खाता है? तो ये होता है टिड्डा। कौन होता है बच्चों? टिड्डा होता है। अब टिड्डा का भाई भोजन कौन करेगा? मतलब घास को खाने वाला टिड्डा। अब टिड्डा को खाने वाला कौन है? तो मेंढक है। टिड्डा का भाई पोषण कौन कर रहा है? तो मेंढक। अब मेंढक को खाने वाला कौन है? तो भाई मेंढक को खाने वाला आ जाएगा तो यहां से सर्प, ठीक, सर्प आ जाएगा। अब सर्प को का निवाला भाई, सर्प किसका निवाला बनेगा? तो ये बाज का बनेगा। तो ये है, ध्यान देना बच्चों, ये क्या है? घास स्थल वाले में एक खाद्य श्रृंखला। तो ये घास स्थल का हमने एक खाद्य श्रृंखला बना दिया है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया इंक्लूड हुआ है बच्चों, इसलिए पूछेगा। अब इसमें और भी परिभाषाएं, बहुत सरल सरल परिभाषा आती हैं, जैसे उत्पादक, ये अलग से आएगा 100% है, एक नंबर वाले में या दो नंबर में पूछेगा उत्पादक क्या होते हैं, तो यहां पर आपको सीधा सा लिख देना है कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक, जो अदर जीव होते हैं या अन्य जीव इसी से अपना भोजन
मतलब इसी पर निर्भर होते हैं। अब फिर उसके बाद उपभोक्ता अगर आ गया तो ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं वो उपभोक्ता कहलाएंगे। क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मांसाहारी किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे जीव जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी। शाकाहारी की परिभाषा पूछता है, तो जैसे जीव भाई जो क्या है मांस मछली, मतलब जैसे बात करें तो साग सब्जियां, ठीक, जो फल फूल साग सब्जियों का सेवन करते हैं वो शाकाहारी। साग का मतलब होता है साग सब्जी, ठीक, तो इस तरह के परिभाषा होते हैं। बाकी इसमें सबसे ज्यादा बच्चों अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, लगभग 9 से 10 तो अंतर हैं। चलिए उनको भी हम बता देंगे, आप परेशान न रहें, अंतर की एक अलग से फिर से हम वीडियो ला देंगे। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं। ये भी बच्चों 2 सेट में आया था कि संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं और किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों का आपको उदाहरण देना है कि संकटग्रस्त जातियां होती क्या हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं। देखिए नाम में ही बहुत कुछ रखा है, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त का मतलब ऐसी जातियां या ऐसे जीव, एक ऐसी जीव जातियां बच्चों जो क्या है संकट के कगार पर हैं। अब संकट के कगार पर कैसी होंगी, तो भाई ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, क्योंकि आज जो मनुष्य है ना वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है। आपने देखा होगा कि खेत बनाने के लिए पूरे के पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं। आदमी क्या कर रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम कहीं लग रहा है, कहीं पर फैक्ट्री बनाना है, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दे रहे हैं। खेत में घर बनाने के लिए अगर पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे, उनको भी काट करके घर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानव जो मानवीय हस्तक्षेप है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और यही कारण है कि आज पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। मनुष्य जान रहा है हर एक चीज को, हर एक बात को समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। तो संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, ऐसी जातियां जो मानव के द्वारा घोर संकट में आ गई हैं, यानी मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा या मानव द्वारा ऐसे भाई कोई कर्म किए जा रहे हैं जिससे जो अन्य जीव हैं उनका निवास स्थल ही नष्ट किया जा रहा है। तो ऐसी जो जातियां हैं जो घोर संकट में है वो कहलाएंगी संकटग्रस्त जातियां, ठीक। तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसी जातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा इनके आवास स्थान या स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें कहेंगे संकटग्रस्त जातियां। वो क्या कहलाएंगे बच्चों, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, ठीक है। अब संकटग्रस्त जातियों का आंकड़ा जो होता है वो IUCN द्वारा जारी की गई एक किताब रेड डाटा बुक के अंदर है, ठीक। मतलब जितना भी लेखा जोखा होता है कौन सी जातियां संकटग्रस्त हैं, कौन विलुप्त तो हो चुकी हैं, कौन भविष्य में संकट में पड़ेंगी, कौन नहीं पड़ेंगी, सबका जो लेखा जोखा होता है वो इस बुक में, रेड डाटा बुक में होता है। और ये रेड डाटा बुक IUCN द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, कभी कभार पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म। और बात करें बच्चों तो संकटग्रस्त प्रजातियों में कौन है, जैसे सफेद बाघ हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, एशियाई हाथी हो गया, कश्मीर धूसर लंगूर हो गया, जो मतलब होते ना कि बर्फीले जो लंगूर होते हैं आपने देखा होगा टेलीविजन में, मूवी वगैरह में, ठीक, या फिर अदर कोई शो आते रहते हैं जंगली वाले, तो उसमें दिखाता है। तो ये सभी संकटग्रस्त जातियां हैं, बोले तो इन पर खतरा मंडरा रहा है, इनकी संख्या बस गिनी चुनी रह गई है, ये भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक। ये चीज होता है संकटग्रस्त जातियां। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जैव विविधता हम बात करें तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन सात के सातों सेट में आया था, मतलब सात सेट बने थे, सात के सातों में पूछा गया था जैव विविधता किसे कहते हैं, और इस कुछ में तो पूछा गया था जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, कुछ में पूछा गया था जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो घुमा फिरा कर थोड़ा पूछा था, लेकिन सात के सातों सेट में आया था। आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना बच्चों, हर एक सेट में आया था, और ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें बस एक दो टॉपिक ही है लास्ट वाले में, और पूछिएगा कहां से भाई, चाहे जितने सेट बन जाए सब में देगा बच्चों, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव का मतलब जीव में, विविधता का मतलब अंतर होता है। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में, अब चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो अदर जीव जंतु हो या मनुष्य हो, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी जो अंतर होते हैं, उसी को कहते हैं बच्चों जैव विविधता, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों जैसे पौधों, जानवरों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में जो विभिन्नताएं यानी जो अंतर पाई जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता संरक्षित कैसे करना है, या कभी कभार पूछता है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, तो सबका मतलब एक है भाई, मतलब यह है कि जैव विविधता को संरक्षित करना है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बच्चों दो प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता, हालांकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी विधियां, लेकिन प्रमुख दो होती हैं। अब उन दोनों में होता क्या है, सबसे पहला होता है बच्चों स्वास्थाने संरक्षण, स्वास्थाने संरक्षण, ठीक। तो स्वास्थाने संरक्षण होता है पहला, ठीक, पहला होता है स्वास्थाने संरक्षण। देखिए नाम ही है स्वास्थाने, स्वा का मतलब अपने आप, जब किसी जीव को उसके निवास स्थान पर ही संरक्षित रखा जाता है तो उसे कहते हैं जैव, मतलब उसे बोलते हैं स्वास्थाने संरक्षण, ठीक। और इसमें क्या होता है, ये जो स्वास्थाने संरक्षण होता है ये मनुष्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कि जब जब जीवों को उनके वास स्थान पर ही संरक्षित या सुरक्षित, ठीक, रखा जाता है या संरक्षित किया जाता है तो इसे स्वास्थाने संरक्षण कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्वास्थाने संरक्षण कहते हैं। अब स्वास्थाने संरक्षण के लिए मनुष्यों द्वारा जो तैयार किए गए हैं, जैसे कहां पर संरक्षित रखते हैं, तो जैसे में हम बात करें तो जैसे वन्य जीव अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान जिसे जैव मंडल, जिसे होता है जैव मंडल पार्क वगैरह होते हैं, ठीक। ये सब स्वास्थाने संरक्षण के लिए, ये मनुष्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक, यानी ये छोटे स्थान कुछ होते हैं। दूसरा होता है बच्चों बहिस्थाने संरक्षण, या इसी को उत्स्थाने कहा जाता है, बहिस्थाने संरक्षण, यानी जीव जंतुओं को दो प्रकार से सुरक्षित रखने की विधि है, ठीक। यानी जीवों को दो प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, एक तो जहां पर उनका जन्म हुआ है वहीं पर उनको अच्छे से चारों तरफ से भाई क्या कर दिया जाए, दीवार वगैरह खींच दिया जाए, जो भी उनको चाहिए सारी व्यवस्था वहीं पर कर दीजिए। जैसे मैं देखिए हमने बताया ना, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक, और उसके बाद जैसे राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, ठीक, काजीरंगा हो गया राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जैसे जिम कार्बेट हो गया, ठीक, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से बहुत आपके हैं, सुंदर वन हो गया, तो बहुत राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण सब आते हैं। अब उसके बाद होता है दूसरा बहिस्थाने या उत्स्थाने संरक्षण, इसको क्या कहते हैं कि जब किसी जीव को उसके वास स्थान से हटा करके
कहीं और पर मतलब और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए और वहां पर उनका भाई पालन पोषण हो, अच्छे से देखभाल हो, तो उसे कहते हैं उत स्थान या बह स्थान। बह का मतलब वहां से बाहर ले जाओ, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें बच्चों, जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर कहीं और जगह पर सुरक्षित रखा जाता है तो इसे उत स्थाने या फिर बही स्थाने संरक्षण कहते हैं। इसे बही स्थाने संरक्षण कहते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों बही स्थाने या उत स्थाने संरक्षण कहते हैं। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसमें आ जाएगा जीन बैंक, बीज बैंक, पार्क वगैरह आते हैं, ठीक, मतलब जैसे जिसमें हम पार्क में जैसे बात किया जाए चिड़ियाघर वगैरह, तो ये सबके सब आते किसमें है, तो ये होता है उत स्थाने या फिर बही स्थाने संरक्षण। क्लियर, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। जीवों को दो प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, एक तो स्वस्थाने संरक्षण होता है, बही स्थाने संरक्षण। कभी कभार इसमें अंतर भी पूछ लेता है, तो अंतर में कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ लिखा है वही दोनों लिख दीजिए, अंतर हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन और भी बचे हैं उनका भी निपटारा जल्द होगा, परेशान मत रहिए, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार अच्छे से इसको एक बार दो बार तीन बार बस देख लीजिए, कितना भी टफ क्वेश्चन हो एकदम हलवा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।